हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। हम शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे और उसे ही आज के सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। हम चैप्टर 15 तक पहुंच गए हैं, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है पार्ट 2 का। इस बुक के 5 पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम सेकंड पार्ट को अभी कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट कल के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक। अब आज के चैप्टर में हमको प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क करना है। कल के सेशन में हमने क्या किया था, उससे पहले अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। इस रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही में आपको सभी स्टैंडर्ड बुक्स की PDF मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स गिवन है इस रेफरल कोड से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कौन कौन से लेटेस्ट अभी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और साथ ही साथ आपको रैंक सिक्योर टीम की यानी आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंदर तैयारी करने का मौका मिलेगा। और कौन कौन से फायदे आप लोगों को अनअकैडमी प्लस से होंगे, देखो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स अनअकैडमी प्लस पे होता है। सेकेंड, दो साल का अगर आप इकट्ठा कोर्स लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही सस्ता ये पड़ता है। टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। किसी भी माध्यम के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वीकली टेस्ट भी होंगे। अब जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के पास पूरा लेंथी मॉक टेस्ट भी होगा, एज वेल एज प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस डाले गए हैं। वीकली टेस्ट के बाद आप लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन का मौका भी मिलेगा, आपके टेस्ट डाउट क्लियर किए जाएंगे और साथ साथ में आपको इन बिटवीन क्लास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शनल इंक्लूडेड है, CSAT भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ में आप लोगों को सारी चीज़ों के नोट्स मिलेंगे, नोट्स प्रेजेंटेशन PPTs की फॉर्म में भी मिलेगा और PDF की फॉर्म में भी मिलेगा। कैसे भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर्स की पर्सनल इंटरेक्शन के अंदर आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। हमने कल के सेशन के अंदर क्या किया था, हमने देखो एनिमल डाइवर्सिटी को पढ़ लिया था, प्लांट डाइवर्सिटी को पढ़ लिया था। मॉर्निंग सेशन में कुछ इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से मैंने इवनिंग में सेशन लिया था और हमने साथ साथ अक्वाटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, सी वीड, सी ग्रासेस, उनके फायदे क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ कहाँ उनके हार्म हो सकता है, कैसे उनको थ्रेट है, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। साथ ही में हमने ट्री क्या होता है, श्रब क्या है, हब क्या है, पैरासाइट्स, क्लाइंबर्स, इन सब चीज़ों को समझा था। रूट्स के टाइप को देखा था विद इमेजेस ताकि आप लोगों के दिमाग में वो रहे, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी हैं, स्टिल्ट रूट्स कौन सी है, न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, हम लोगों ने देखा था लिटरल रूट्स क्या है, टैप रूट्स क्या है। आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, मींस क्या है कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे एरियाज को ऑल ओवर वर्ल्ड चुनना जहां पे बहुत सारी बायोडायवर्सिटी है, जहां पे बहुत सारे ऐसे रेयर स्पीसीज हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे और जिनको कंजर्व करना इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ साथ पूरे एनवायरनमेंट यानी कम्युनिटी के लिए भी वो स्पीसीज बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ऐसा एरिया पहले तो ढूंढना जहाँ पे ऐसे रेयर स्पीसीज मिले और फिर उनको प्रोटेक्ट करना। उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है और अकॉर्डिंग टू दैट टर्मिनोलॉजीज उनके अंदर जो लीगल स्टेटस है वो चेंज होता रहेगा और साथ साथ उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कम ज़्यादा होती रहेंगी। ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे एरियाज के नेटवर्क को प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कहा गया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 के अंदर ये पॉलिसी बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग इस पॉलिसी के अंडर हम लोगों ने एक एक्ट बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इन दोनों एक्ट और पॉलिसी से क्या हुआ, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए, घोषित किए गए, बहुत सारी सेंचुरीज को घोषित किया गया। देखो ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क बना दिया है, सेंचुरी बना दिया, पर्टिकुलर किसी एरिया जहाँ पे बहुत ही रेयर और बिल्कुल एंडेमिक स्पीसीज जहाँ पे रह रहे हैं उन पर्टिकुलर एरियाज को जहाँ देखा कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशंस है और ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन एरियाज को नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर्स वगैरह घोषित कर दिया, ठीक है। द नेटवर्क वॉज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय नंबर ऑफ नेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लेके आए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स लेके आए ताकि उन नेशनल पार्क्स के अंदर जितने भी पर्टिकुलर स्पीसीज हैं एक एक स्पीसीज को हम लोग कंजर्व कर सकें। हाथी मेरा साथी इनिशिएटिव है, माइक इनिशिएटिव है, इन सब इनिशिएटिव्स को हम कल के सेशन में करेंगे एक एक की कब लॉन्च हुआ, कैसा मकसद है इनका, कितनी हमको सक्सेस मिली है। ये सभी प्रोजेक्ट्स की हेल्प से प्रोटेक्टेड एरिया को कंजर्व किया जा रहा है।
उसके बाद जो सबसे पहला प्रोटेक्टेड एरिया है, देखो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे और बायोस्फेरिकल रिजर्व को पढ़ेंगे, यानी बायोस्फेयर रिजर्व को पढ़ेंगे। इन तीन पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया को हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से कुछ एरियाज को स्टेट गवर्नमेंट ने, ये ध्यान देना, इन्हें कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल पार्क क्या है, इसे भी इसी एक्ट के दौरान, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ही डिक्लेयर किया स्टेट गवर्नमेंट ने। की पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कोई एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा या नेशनल पार्क बनेगा। नेशनल पार्क आर डिक्लेयर्ड इन एरियाज दैट आर कंसीडर्ड टू बी एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। मीन्स ऐसे एरियाज को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है जहाँ पे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोमॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेचुरल जिनकी सिग्निफिकेंस है, मीन्स उनका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है कंजर्वेशन में। तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं और नेशनल पार्क्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहले जो बेसिक चीज क्या है, दोनों ही ऐसे एरिया है जिसके अंदर कुछ स्पीसीज को कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज को कंजर्व किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है और नेशनल पार्क भी आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस कंपैरेटिवली कम है, रिस्ट्रिक्शंस दोनों में है, लेकिन नेशनल पार्क में सब चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शंस के अंदर थोड़ी सी ढील दी हुई है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ग्रेजिंग हो सकता है, यानी लाइव स्टॉक को चरागाहे चराने के लिए ले जा सकते हैं, ग्रेजिंग हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन नेशनल पार्क में ग्रेजिंग्स जो है प्रोहिबिटेड है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो रिस्ट्रिक्शंस है नेशनल पार्क में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग है वो प्रोहिबिटेड है। कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आगे देखेंगे, परमिशन लेके कुछ एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता कि वहां पे बंगला बना के बैठ गए, वहां पे घर बना के बैठ गए कि हमको तो फॉरेस्ट वाला व्यू चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और नेशनल पार्क में भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी या सेटलमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे तो फिर भी परमिशन मिल सकती है, यहाँ की परमिशन भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पे लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, मतलब इसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें प्रोटेक्शन में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। राइट्स ओवर लैंड कैन बी अलाउड इनसाइड सेंचुरी, मतलब कि यहाँ पे जैसे कोई सेंचुरी है, इसके अंदर जो भी लैंड एरिया आता है उनके ऊपर राइट्स मिल सकते हैं। ऑल राइट्स हैव टू बी सेटल्ड हियर, यहाँ पे वो राइट्स मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये ओवर प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इट कैन बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जाता क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन कम है। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन को, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया और ऐसा कह रहे हैं कि हम उसे WLS यानी सेंचुरीज बना रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस को भविष्य में बढ़ाया ही जाएगा, उसे कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्रूव करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बनाया जाता, ये पॉइंट आपका कह रहा है। इसके बाद पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, फ्रूट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन ऐसी कोई कलेक्शन नेशनल पार्क से नहीं हो सकती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्रिएट बनाया गया है कि हमें सिर्फ टाइगर को प्रोजेक्ट करना है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें एलिफेंट को प्रोजेक्ट करना है, इस तरह पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्रिएट किया जा सकता है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस नहीं करता, ये ऑल ओवर कम्युनिटी, ऑल ओवर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फोकस करता है नेशनल पार्क। तो ये दो डिफरेंस है हम लोगों ने देखे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। अगर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम प्रोटेक्ट होता है। अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम रिस्ट्रिक्शंस होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को डीग्रेड करके, डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब इसके बाद देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में ये नोट्स बना दिए हैं। जनरल प्रोविजन होता क्या है, कौन कौन से प्रोविजन जब कोई एरिया सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित होता है, डिक्लेयर होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोविजंस होते हैं, जनरली वो देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विलेज है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई अर्बन एरिया है, कोई सिटी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई टाउन एरिया है। अब वहाँ पे कुछ ऐसा देखा स्टेट गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे तो कुछ ऐसी स्पीसीज मिल रही है जो और कहीं पे भी नहीं है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है,
तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इनिशियल नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये एरिया जो है नेशनल पार्क या सेंचुरी के लिए बिल्कुल हमें फिट लगता है, बिल्कुल सही लग रहा है, तो हम इसे नेशनल पार्क या सेंचुरी घोषित करना चाहते हैं। अब उसके बाद सारी बातें होंगी, फाइनल डिस्कशन जाएगा, फाइनल नोटिफिकेशन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अभी उन्होंने सिर्फ अपना आइडिया शेयर किया है, सेकेंड लेवल पे उन्होंने फाइनल कर दिया कि हम इसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने वाले हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनल डिक्लेरेशन के लिए वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली डिक्लेयर करेगा और अपने गेजेट के अंदर उनको नोट कर लेगा कि हाँ ये नेशनल पार्क एक सेंचुरी बन गया है। ठीक है, अब बाउंड्रीज कैसे फिक्स होंगी, कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया उसके आसपास हो सकता है बहुत सारे घर भी आ सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसके बीच में आ सकती हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज कैसे सेट होंगी किसी भी नेशनल पार्क की या किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखो, जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनल डिक्लेयर कर दिया, कोशिश ये रहती है कि लिमिट्स ना बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आप हमारा ये एरिया है। जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज की कैटेगराइजेशन हो रही है, वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए कि सिर्फ यही बाउंड्री है हमारी। जैसे आप लोग इंडियन मैप के अंदर देखते हैं, इंडियन मैप में आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रावर्शियल एरियाज हैं, जैसे नेपाल के साथ अभी हमारी कॉन्ट्रावर्सी हुई, सर क्रीक इशू लेके जो पाकिस्तान के साथ चलता रहता है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसे, जैसे कश्मीर एक बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो अंग्रेजों के टाइम से ही क्या था, वहाँ की जो कैटेगराइजेशन थी ना, जो डिवीज़न था लाइन का, वो बिल्कुल स्पष्ट वो लोग करके नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं जब बाउंड्रीज घोषित की जाए, जब सीमित सीमाएं बनाई जाए, बाउंड्रीज बनाई जाए, तो बहुत ही प्रिसाइज एरिया आप लोगों को लेना है, बहुत तरीके से सब कुछ मेंशन करना है। पहला पॉइंट में ये कह रहे हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी आता है, अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी आता है, क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सी है, ठीक है, और यहाँ पे वो एरिया है जो प्रोटेक्टेड एरिया बनाना है। अब अगर इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ये टेरिटोरियल एरिया भी आता है, तो परमिशन किससे लेनी होगी, चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर से। चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर से कंसल्ट करके उस एरिया को बाउंड्री के अंदर शामिल किया जाएगा। वो देखना पड़ेगा कि फिशरमैन को कितना लॉस हो रहा है, वहाँ पे जितनी कम्युनिटी है उनको कितना लॉस हो रहा है, वो सारी कंसल्टेशन किसके साथ होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर के साथ। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और सेंचुरी नेशनल पार्क शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या कह रहा है, किसी भी बाउंड्री के अंदर अगर कुछ भी चेंज करना है, चाहे वो नेशनल पार्क की हो चाहे वो सेंचुरी की हो, तो परमिशन किससे लेंगे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेंगे, अगर बाउंड्रीज के अंदर कुछ ऑल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है बाउंड्रीज को लेके। सबसे पहला क्या था, प्रिसाइज होना चाहिए एरिया, बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए इतना एरिया आएगा। अगर प्रोटेक्टेड एरिया या सेंचुरी के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी आ रहा है, तो चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर बाउंड्री के अंदर कुछ भी बदलाव करना है, कुछ भी ऑल्टर करना है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, रिकमेंड वो करेंगे। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ राइट्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके राइट्स जो है, उन्हें वो अपने राइट्स को क्लेम करेंगे कि इस एरिया के अंदर हमारा तो पूरा बिजनेस चलता था, इस एरिया के अंदर हम डिपेंडेंट थे, हमें यहाँ से फूड मिलता था, हमें यहाँ से फ्यूल मिलता था, तो हमारे राइट्स हमें कैसे दोगे आप, हमारा तो घर ही इसके बीच में आता था, यहाँ पे हाईवे गुजरता था। तो इन सब राइट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, ये देखो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बना देगा कि ठीक है, अगर बात सिर्फ फ्यूल की या फूड की है, और आपको कह दिया कि ये एरिया हम नेशनल पार्क घोषित कर रहे हैं, मींस अब ह्यूमन जाके इसके अंदर से फ्यूल या फूड को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर देगा उस कम्युनिटी के लिए कि यहाँ से नहीं, आप इस फॉरेस्ट से अपना फूड और फ्यूल ले सकते हो। ठीक है, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट कर देगा कम्युनिटी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट एक कलेक्टर को अपॉइंट करेगा, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जिसे नाम दिया जाएगा कलेक्टर, और वो क्या कहेगा कि यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ से जुड़े हैं, आप उनके राइट्स को एनालाइज करो कि उनके कौन कौन से राइट्स इस एरिया को नेशनल पार्क के सेंचुरी घोषित करने में खराब होते हैं, कौन कौन से राइट्स को वो क्लेम करेंगे। तो सेटलमेंट ऑफ राइट्स में पहले स्टेट गवर्नमेंट अरेंजमेंट करेगा, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, और सेकेंड केस ये है कि एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, कलेक्टर को अपॉइंट करेगा कि आप जितने भी पर्सन यहाँ से जुड़े हैं उनके राइट्स को देखिए। अब पता लग गया कि ये राइट्स जो है जो वो क्लेम कर सकते हैं। अब ये क्लेम ऑफ राइट होगा कैसे, पहली चीज़, अगर कुछ ऐसे राइट्स वायलेट हो रहे हैं इंसानों के जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है,
तो हो सकता है उस लैंड को एक्सक्लूड कर दिया जाए कि ठीक है आपके घर वाली जगह जो है हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सिर्फ इतना ही एरिया नेशनल पार्क बनाएंगे, आपका घर इसमें जो इंक्लूड हो रहा है उसको नेशनल पार्क नहीं बनाएंगे। पहला केस ये हो सकता है। तीन केस हो सकते हैं, देखो ये थ्री केसेस हैं, ए बी सी। पहले केस में क्या हुआ, उस लैंड को एक्सक्लूड ही कर दिया कि हम सेंचुरी या नेशनल पार्क उसमें से बना ही नहीं रहे। सेकेंड एरिया क्या है प्रोसीडिंग की, कि हम आपके एरिया को एक्सक्लूड नहीं करेंगे और इसे तो नेशनल पार्क घोषित करेंगे ही करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा, उस कम्युनिटी को कंपनसेट कर दिया जाएगा कि ठीक है आप बताइए आपकी कितनी एग्रीकल्चरल लैंड थी यहाँ पे, वो उन्होंने कह दिया मान लो एक एकड़ थी, तो उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा उनका बनता है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में उस लैंड को एक्सक्लूड ही कर दिया, सेकंड केस में उनको कंपनसेट कर दिया। थर्ड क्या है, अलाउ कर दिया कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आप डिस्कस करें और हमें जो भी आपके लिए हितकर लगेगा, जो भी बेनिफिशियल लगेगा, हम आप लोगों के राइट्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखेंगे। तो ये तीन केसेस हैं। पहला केस लिमिट मतलब एक्सक्लूड कर दिया लैंड, सेकंड केस लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेट कर दिया, थर्ड जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कंसल्ट करने के लिए कहा कम्युनिटी को कि आप उनसे बात करें और जो भी प्रॉब्लम आपके राइट्स के वायलेशन के लिए होगी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो इस तरीके से राइट्स का क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है, अभी तक हम देख चुके हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं, और फिर हम लोगों ने ये देखा है कि बाउंड्रीज कौन कौन सी इसके अंदर आती है। ठीक है, हिंदी के अंदर ये अवेलेबल नहीं है सुमित, हिंदी के अंदर अवेलेबल नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करती हूँ सब समझ रहे हैं और आसान लग रहा है सबको, बहुत कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। कल का इवनिंग सेशन आप लोग जरूर देख लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, एंट्री इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया। कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो इस प्रोटेक्टेड एरिया, अब इसके अंदर नेशनल पार्क की भी बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात है, कौन कौन से पर्सन हैं जिनकी एंट्री हो सकती है। नो पर्सन अदर देन, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता किनके अलावा, अदर देन कोई पब्लिक सर्वेंट है। आप लोग कल को जाते हैं, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर जाएंगे ऑन ड्यूटी, आप लोग जा सकते हो, चाहे वो नेशनल पार्क है चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है तो वो जा सकता है, ऑन ड्यूटी लिखा है, ऐसा नहीं है अपनी फैमिली को घुमाने ले गया वो अपने कार्ड का यूज करके, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, ऑन ड्यूटी है, कुछ काम के लिए गया है। सेकेंड है ए पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ऐसा कोई पर्सन जिसको परमिट कर दिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कि आप जा सकते हैं इस पार्क के अंदर या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घूमो, वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप इतने एरिया में घूम सकते हो, पूरे एरिया के अंदर आप नहीं घूम सकते, इट मे बी रिस्की फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज फॉर बायोडाइवर्सिटी। थर्ड कौन जा सकता है, अगर कोई पर्सन है जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके अंदर है, जैसे मान लीजिए किसी की फैक्ट्री है, किसी की फैक्ट्री उस नेशनल पार्क के अंदर आ गई है, बीच में आ गई है, तो एरिया मैनेजर की परमिशन लेके जो पर्सन था वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी तक जा सकता है। ठीक है, ए पर्सन पासिंग थ्रू द सेंचुरी नेशनल पार्क अलोंग अ पब्लिक हाईवे, अगर बीच में कोई हाईवे गुजरता है, भाई यहाँ पे भी सेंचुरी है, यहाँ पे भी सेंचुरी है और बीच में कोई हाईवे गुजर रहा था, तो वहां पे भी लोग जो है एंटर कर सकते हैं, अपने हाईवे पे अपने रास्ते पे जा सकते हैं। द डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन, अगर कोई पर्सन वहां पे डिपेंडेंट है, वहां से फूड मिल रहा है, वहां से फ्यूल मिल रहा है, वहां से उसकी आजीविका चल रही है, तो परमिशन लेके वाइल्ड लाइफ वार्डन की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, वो अंदर जा सकते हैं। जब तक परमिट नहीं किया जाएगा नो पर्सन कैन एंटर इनटू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। कोई पब्लिक सर्वेंट जा सकता है, परमिशन लेके कोई इंसान जा सकता है, किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो जा सकता है, किसी को पास मिला है या कोई बीच में हाईवे है वहाँ से आप गुजर सकते हो, या कोई पर्सन जो डिपेंडेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, तो वो एंट्री ले सकता है, लेकिन आफ्टर पास यानी आफ्टर परमिशन ये लोग अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रांट ऑफ परमिट फॉर एंट्री, अब ग्रांट किसको दिया जाएगा, वो तो लोग हैं जो जा सकते हैं उनको आसानी से पास मिल जाता है, और किन लोगों को परमिशन दी जाती है एंट्री की, किनको ग्रांट किया जाता है, किनको पास दिया जाता है एंट्री के लिए, किससे ये पास लेना होगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। यहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सारा दारोमदार किसके हाथ में है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो परमिशन देगी या देगा, ये वार्डन देगा। ठीक है, तो किसको मिलेगा,
अगर कोई पर्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए या स्टडी के लिए वहां पे जाना चाहता है कि हमको कुछ रिसर्च करनी है, जैसे औषधि लेनी है वहां से, आयुर्वेदा वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, या आप मैन वर्सेस वाइल्ड को देखोगे कि हम यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए या स्टडी पर्पज से आपको ग्रांटेड दिया जाएगा, ग्रांट मिलेगा आपको कि आप जा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए आपको भेजा जा सकता है कुछ कुछ केसेस में, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको नहीं मना करेंगे। टूरिज्म, टूरिज्म देखा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ठीक है, नेशनल पार्क में टूरिज्म के लिए बहुत मुश्किल से पास मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंपैरेटिवली इजी मिल जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस विद एनी पर्सन रिजाइडिंग इन द सेंचुरी, अगर कोई पर्सन सेंचुरी के अंदर रिजाइड कर रहा है और उसके साथ कुछ लॉफुल बिजनेस करना है तो उस लॉफुल बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, फोटोग्राफी के लिए, टूरिज्म के लिए और बिजनेस के लिए, इन पांच काम के लिए परमिशन मिल जाएगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो टूरिज्म के लिए आए हुए हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए इनको परमिशन मिल सकती है, हो सकता है इनमें से कुछ रिसर्चर्स भी हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इसी में से कि इंसान जा तो सकते हैं अंदर, लेकिन किस किस तरीके से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से सारा परमिशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी के हाथ में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या करता है, ये रिकमेंड करता है ऑन द सेटिंग अप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये रिकमेंड करता है कि आपको नेशनल पार्क को ऐसे मैनेज करना चाहिए, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये प्रोविजंस ऐड करना चाहिए, ये सिर्फ रिकमेंड करता है कि हमें ऐसे इसको कंजर्व करना है। और जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट का अलग स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होगा, वो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या बताएगा, पंजाब गवर्नमेंट को बताएगा, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, एडवाइस करेगा कि हमको इन प्रोटेक्टेड एरियाज को ऐसे मैनेज करना है। नेशनल बोर्ड ऑल ओवर इंडिया के लिए रिकमेंड करते हैं, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ केवल पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उस खुद के स्टेट के लिए कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि हमको अपने प्रोटेक्टेड एरिया इस तरीके से मैनेज करने हैं, ठीक है। तो हमने इतनी चीजें देख ली है, परमिशन किसको मिलेगी, किसके हाथ में सारा काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का क्या काम है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का क्या काम है, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो टर्म आएगा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, हमने नेशनल पार्क पढ़ लिया, नाउ लेट अस मूव टू कंजर्वेशन रिजर्व क्या है। इसको अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये दो रिजर्व अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है जो स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखा है, इसका ओनर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, किसी नेशनल पार्क के एडजेसेंट लगता है या किसी सेंचुरी के एडजेसेंट लगता है। किस लिए इसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन किया है, फॉर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, सीस्केप एंड हैबिटेट ऑफ फोना एंड फ्लोरा। मैंने क्या कहा, ये कोई नेशनल पार्क था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसके एडजेसेंट ये कोई एरिया था, ठीक है, इस एरिया के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का रोल था, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ओन किया हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टी थी ये, और इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ऐसी जरूरत फील हो रही है कि हैबिटेट लॉस को बचाना है, फोना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस एडजेसेंट एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर देगा। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट किससे करेगा, वहां की लोकल कम्युनिटी से, उनसे कंसल्ट करेगा कि हम इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर रहे हैं और आपकी ये एक्टिविटी यहाँ पे प्रोहिबिटेड हो जाएगी। जो सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया के अंदर आया था वो तमिलनाडु के अंदर आया था, तमिलनाडु का ये तिरुपद्दई माराथूर कंजर्वेशन रिजर्व जो तिरुनेलवेली एरिया के अंदर तमिलनाडु स्टेट में था, ये पहला भारत का कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था इन 2004। ये पहला वो था जो कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया के अंदर बना था। कैसा एरिया है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होगा, मालिक स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट होगा, लैंडस्केप सीस्केप हैबिटेट और फोना फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए घोषित किया जाएगा, कैसे, लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करके। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात थी। अब हम कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात करते हैं। इसे भी सेम एक्ट से कंसीडर किया गया, सेम एक्ट से इस वर्ड को भी कंसीडर किया गया। आप देखिए, ये आपको दिख रहा है कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट है, आपको दिख रहा है ये पीछे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ हाउस दिख रहे हैं, ठीक है, और साथ में आपको प्राइवेट प्लेयर्स यानी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो कम्युनिटी रिजर्व क्या है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एरिया नहीं है, याद रखें ये स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड था लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, ये किसी की प्राइवेट लैंड है।
ये किसी की प्राइवेट लैंड हो सकती है, अगर उस प्राइवेट लैंड में कुछ ऐसी बायोडाइवर्सिटी दिखती है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स दिख रहे हैं, स्पीसीज दिख रहे हैं जो ऑल ओवर इकोलॉजी के लिए रेयर हैं और जिनको कंजर्व करना ज़रूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इन कम्युनिटी से पूछ के, इनकी कंसल्टेशन से उस लैंड को कम्युनिटी रिजर्व कह देगी। अब उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं उस एरिया को, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप जितने लोग हैं आप हमारी मदद करें यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। यहाँ सब कुछ स्टेट ओन्ड था, यहाँ सब कुछ प्राइवेट ओन्ड है, यहाँ सारा काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ सारा काम प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी के बंदों से ही कह रहे हैं कि आप लोग हमारी मदद करें इस बायोस्फीयर को, इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। देखो, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कम्युनिटी रिजर्व को, ये प्राइवेट लैंड होगी किसी की, ठीक है, और उन्हीं की ही हेल्प से, उन्हीं की ही एग्रीमेंट से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, फोना और फ्लोरा को, वहाँ के फोना और फ्लोरा को। कोई भी चेंज नहीं हो सकता कम्युनिटी रिजर्व में जब तक मैनेजमेंट कमेटी ना कहे। वहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टेट गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जब तक मैनेजमेंट कमेटी कुछ भी चेंज करने को ना कहे तब तक कम्युनिटी रिजर्व में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट ओन्ड है, कम्युनिटी रिजर्व प्राइवेट ओन है। कंजर्वेशन रिजर्व एडजेसेंट है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, कम्युनिटी रिजर्व एक प्राइवेट कम्युनिटी के बीच में हो सकता है। यहाँ पे सारा काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों की मदद से उस एरिया को कंजर्व किया जा रहा है। तो एक कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हमने देखा। अब हमारे कोस्ट पे, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया को पढ़ना है। क्लियर हुई इतनी बातें, समझ आ रहा है आप लोगों को? टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, सुबह 8 से 9 बजे ये क्लास होती है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ का आंसर करें, मैंने अभी आपको बताया। 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ ताकि सेशन इंटरैक्टिव बना रहे। आप फटाफट से बताएं, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में है, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में है, नेशनल पार्क में है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? क्विक आंसर देना, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में है, नेशनल पार्क में है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? हाँ जी, 8 AM हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है या नेशनल पार्क में? जल्दी से आंसर कीजिए, नेशनल पार्क में। वेरी गुड, वेरी गुड, नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ तो दोनों ही है, नेशनल पार्क में, सेंचुरी में नहीं होता है डीजे, नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कम्युनिटी जो रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन किया गया है या प्राइवेट ओन्ड है? स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है कम्युनिटी रिजर्व? वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। कम्युनिटी रिजर्व इज स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड? कम्युनिटी रिजर्व इज स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड? प्राइवेट ओन्ड, वेरी नाइस। कंजर्वेशन रिजर्व इज स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड? कंजर्वेशन रिजर्व इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंजर्वेशन रिजर्व इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्युनिटी? कंजर्वेशन रिजर्व को किसने ओन किया है? जल्दी बताइए, जल्दी। स्टेट गवर्नमेंट, वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट, वेरी नाइस। स्टेट गवर्नमेंट ऑन करेगी कंजर्वेशन रिजर्व को। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, परमिशन लेनी हो किसी भी एंट्री में, किसी भी एंट्री में नेशनल, किसी भी ASM, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेशनल पार्क में, क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, वो पुराना आंसर दिया, ठीक है, समझ गई मैं। अब एक क्वेश्चन बताइए मुझे, क्वेश्चन ही भूल गई मैं क्या पूछती थी आपसे, चलो आगे याद आएगा, फिर मैं बताती हूँ, फिर पूछती हूँ आप लोगों से। एकदम से स्किप हो गया दिमाग से मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों से। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अगर एंट्री लेनी हो तो परमिशन यानी पास ग्रांट आपको किससे मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी कि आप लोग एंट्री कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या वार्डन से आपको परमिशन लेनी होगी? हाँ जी, परमिशन किससे लेनी होगी? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। संजीव कुमार का क्वेश्चन आंसर है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। परमिशन लेंगे हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, परमिशन का सारा काम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
आगे देखो आप, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया पानी की तरफ बढ़ गए, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? ये ऐसा इंटरटाइडल और सब टाइडल टेरेन है, मींस यहां पे कुछ कुछ कंजर्व करना है आपको, यहां कुछ कंजर्व करना है। ये एक ऐसा एरिया है जो लगातार टाइड से टकराता रहता है, इंटरटाइडल एरिया है या सब टाइडल टेरेन कह सकते हैं। ओवरलेइंग वाटर मतलब वाटर यहां से टच करता है, यहां पे पानी आ सकता है, ठीक है। और जहां पे पर्टिकुलर फ्लोरा फोना या कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल फीचर है, उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। ये एक ऐसा एरिया है जहां जो इंटरटाइडल और सब टाइडल टेरेन में आता है, जहां के फोना फ्लोरा हिस्टोरिकल और कल्चरल फीचर्स को रिजर्व करना है। IUCN ने इस एरिया को कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया या मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। इसके अंदर बेसिकली तीन कैटेगरी होती है, यहां चार दिख रही है आपको, ये तीसरी कैटेगरी के दो सब पार्ट है। कैटेगरी वन कौन सी है? दिस कवर नेशनल पार्क सेंचुरी एंड हैविंग एंटायर एरिया इन सब टाइडल मैंग्रूव कोरल रीफ क्रीक सी ग्रास बेड। क्या कह रहा है ये वो एरियाज हैं जो कोस्टल एरियाज पे कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कैटेगरी वन में आ जाएंगे। कैटेगरी टू में क्या आ जाएगा? कोई आइलैंड, अगर कोई पर्टिकुलर आइलैंड ऐसा है जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो कैटेगरी टू के अंदर आएंगे। कैटेगरी थ्री ए के अंदर क्या आएगा? इंटरटाइडल लाइन से बियॉन्ड, यानी यहाँ तक टाइड्स आ रही थी लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा एरिया है जो कोस्ट पे तो है लेकिन टाइड्स कभी कभी आ रही है, रेगुलर टाइड्स का इंटरेक्शन इनसे नहीं हो रहा, वो कैटेगरी थ्री ए के अंदर आएगा। कैटेगरी थ्री बी में क्या होगा? दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड। कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पे एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, उन्हें कैटेगरी थ्री बी में लिया। कैटेगरी वन में नेशनल पार्क और सेंचुरी जो सब टाइडल या इंटरटाइडल जोन में आएंगे। कैटेगरी टू में आइलैंड, ये टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम के आइलैंड भी हो सकते हैं, मरीन इको सिस्टम के आइलैंड भी हो सकते हैं। कैटेगरी थ्री ए के अंदर बीचेस आ गए, ऐसे बीच जो टाइड से थोड़े से दूर है, कभी कभी टाइड्स वहां तक पहुंचेगी। और थ्री बी के अंदर कौन आ गए? वो आइलैंड जिनके ऊपर एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की ये चार कैटेगरी हम लोगों ने देखी। ऑल ओवर वर्ल्ड की के अंदर इंडिया की अगर हम बात करें तो शेयर कितना है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का? 4.01% शेयर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का इंडिया के अंदर है। टोटल कितने हैं? 128 अगर हम अलग अलग करके देखें, लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो इंडिया में 31 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अंदर है। आपकी बुक में मेंशन है 31 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे क्या कर रखा है? ये एक नेशनल पार्क है, सेकंड नेशनल पार्क है, तीसरा नेशनल पार्क है, इन तीनों को इंक्लूड करके एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया अगर ये कोस्ट से लगते हैं तो, ठीक है। इस तरह अगर हम अलग अलग देखें तो 128 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ऑल ओवर इंडिया, लेकिन कंबाइन करके देखें तो 31 यानी 31 मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अंदर आते हैं। इसके बाद मरीन प्रोटेक्टेड एरिया समझ आ गया। नाउ लेट अस मूव टू सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड मीन्स पवित्र, पायस है कोई चीज, ठीक है, बहुत होली है कोई चीज, उसे सेक्रेड कहते हैं। देखो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कुछ ऐसे पैच या नेचुरल वेजिटेशन के कुछ ऐसे पैच, पैच का मतलब कहीं कहीं ऐसे टुकड़ों में, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस चीज़ें जुड़ी हुई है लोगों की, जहाँ पे कोई लोकल या फोक डाइटीज वहाँ पे जुड़ी हुई है, मतलब किसी का वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। जैसे आपने रणथंबोर सुना है, रणथंबोर बताइए रणथंबोर कहाँ है? जल्दी बताइए अगर आपने सुना है तो, रणथंबोर कहाँ पे है? रणथंबोर वेयर इज रणथंबोर लोकेटेड? बताइए कहाँ पे है, सुना है? नॉर्थ इंडिया वालों ने तो जरूर सुना होगा और वेस्टर्न इंडिया वालों ने भी जरूर सुना होगा। रणथंबोर इज इन राजस्थान, रणथंबोर इज इन राजस्थान। आप देखेंगे वहां पे गणेशा का बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और वहां पे जितने भी लोग जाते हैं ना, उनकी रिलीजियस फीचर उन चीजों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल राजस्थान के अंदर रिलीजियस चीजें उनसे जुड़ी हुई है, तो वो रिलीजियस चीजों के भय से ही, फियर से ही उस एरिया को नहीं हार्म पहुंचाएंगे कि गणेश जी भगवान को बुरा लग सकता है, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रुव्स क्या है? ऐसे पैचेज ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन जो रिलीजियस तरीके से कनेक्टेड हो, उनको हम सेक्रेड ग्रुव्स कहते हैं। ग्रुव्स क्यों कहा? क्योंकि पैचेज के अंदर है, थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं फॉरेस्ट के। दीज स्पेसेस आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, वहां की लोकल कम्युनिटी ही उन्हें प्रोटेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा रहेगा कि अगर हमने इस फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाया तो भगवान को बुरा लग सकता है, भगवान नाराज हो जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए बोला गया है रिलीजियस इज ओपियम फॉर मासेस, रिलीजियस रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, ओपियम फॉर मासेस क्या मतलब हुआ? आप देखते होंगे बहुत सारे बाबाओं का ट्रेंड चला था बीच में कि इस बाबा ने ये कर दिया, उस बाबा ने वो कर दिया, तो वो रिलीजन से लोग जुड़े हुए थे, उनकी कुछ ऐसी इलॉजिकल चीज़ों को भी मान जाते हैं, किसकी भ्रम में अंधे होके सिर्फ रिलीजन को, कि हम लोग आप लोगों के अंधभक्त हैं और कुछ भी मानते चले जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अच्छी चीज़ क्या हो जाती है, इंसान अपने डिप्रेशन से बच जाता है, उन्हें ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ भगवान है संभाल लेंगे, या ये गुरुजी है ये संभाल लेंगे। तो इसीलिए कहा है कि इलॉजिकल चीज़ें भी कभी कभी मासेस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए शब्द घोषित हुआ है रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, मासेस के लिए ओपियम का, अफीम का काम करती है रिलीजन। कैसे? जैसे यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को एक खतरा रहता है कि अगर हमने इस फॉरेस्ट को हार्म पहुँचाया तो यहाँ के भगवान नाराज हो सकते हैं, या कुछ लोग तो ट्री को ही भगवान मानते हैं, जैसे पहले होती थी ना पूजा होती थी ट्रीज की, सेम चीज़ है। डिग्री ऑफ सैंक्टिटी ऑफ सेक्रेड फॉरेस्ट वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। अब डिपेंड करेगा वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो वहाँ के जो लिटर या लीव्स जो नीचे गिरे हैं, जो डेड और डिकेइंग लीव्स गिरे हैं, उनको भी नहीं छूते हैं, उनको ये लगता है कि अगर किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस हमने की तो वहाँ के जो देवता हैं, जो डाइटी हैं, उनको नुकसान होगा, ठीक है, वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लांट से पत्ते तोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो नीचे गिर गए हैं उनकी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन देयर रिलीजन, डिपेंडिंग ऑन देयर कस्टम्स, सेक्रेड ग्रुप्स की अलग अलग प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है ये ऐसे पैचेस हैं जो भगवान से यानी रिलीजन से जुड़े हुए, ठीक है। ये आप देख रहे हो, देखो बीच में शिवलिंग दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे किसी ने पूजा की होगी, तो यहाँ पे जो भी आपको फॉरेस्ट दिख रहा है ना, ये खुद ही उसको प्रोटेक्ट कर देंगे कि अगर कुछ किया हमने पेड़ों के साथ तो ये शिवजी हमारे रूठ जाएंगे, यानी नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने अपनी लोकल डाइटी ही बना दी, यहाँ पे पूजा की जाती है, तो ऑब्वियस चीज़ है ये इन चीज़ों को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, इन चीज़ों को सेक्रेड ग्रुव्स कहा जाएगा। इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, देखो जम्मू कश्मीर में 5000, हरियाणा में 248, राजस्थान में 255, गुजरात में 29, महाराष्ट्र में 2837, गोवा छोटा सा 95, इतने सारे सेक्रेड ग्रुव्स ऑल ओवर इंडिया, पर्टिकुलर एक स्टेट में कहीं कहीं तो 5000 से ज़्यादा भी सेक्रेड ग्रुव्स मिल रहे हैं, क्योंकि 33,000 करोड़ देवी देवता कहते हैं, तो पता नहीं कब कौन सा कहाँ पे बैठ जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेड ग्रुव्स क्या है, ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुव्स क्या है, ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल, बहुत टाइम पहले से वहाँ पे कोई फॉरेस्ट था और वहाँ पे कोई डाइटी रखी हुई है, मतलब वहाँ पे उनके भगवान की कोई मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, कुछ जैसे आपने यहाँ देखा ना, ये ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुव्स होगा। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है सेकंड ग्रुप्स का, दैट इज टेम्पल ग्रुप्स, जैसे बीच में कोई मंदिर है, बीच में कोई मंदिर है, इसके चारों तरफ फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना इस मंदिर के साथ साथ, टेम्पल के साथ साथ, उसे टेम्पल ग्रुप कहा जाएगा। किसी बरियल या क्रीमेशन ग्राउंड के चारों तरफ ग्रुप, मीन्स बीच में कोई, मान लीजिए कोई कब्र है, ठीक है, किसी को बरी किया, मतलब किसी का बरियल है और उसके चारों तरफ कोई वो है, फॉरेस्ट है, कोई ग्रुव है, कोई फॉरेस्ट का पैच है, तो उसको वो रिजर्व करेंगे, कम्युनिटी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसे रिजर्व करेंगे। तो इस तरीके से सेक्रेड ग्रुव को तीन क्लासिफिकेशन के अंदर बांटा गया है। इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व होगी, वो वहाँ के फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वहाँ के स्पीसीज को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हर चीज़ की पूजा करेंगे वो वहाँ पे। सेकंड, जब भी आसपास कोई टेम्पल होता है, आसपास कहीं पे पूजा का स्थान होता है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉन्ड यानी पानी से रिलेटेड कोई ना कोई रिजर्वॉयर जरूर मिलता है, तो उसको रिचार्ज ऑफ, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, वो उस पॉन्ड को खराब नहीं करेंगे, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, जिसकी वजह से वो एक्वीफर है वो रिचार्ज होने लग जाएगा, यानी पानी का जो वाटर टेबल है वो मेंटेन रहेगा। सोयल कंजर्वेशन होगी, क्योंकि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो सोयल कंजर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलीजन ने यहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिखा दिया अपना, कि रिलीजन ज़रूरी भी है कभी कभी। थ्रेट्स क्या है, पहली चीज़ तो लोगों के अंदर धार्मिक वाद जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, नाउ पीपल आर थिंकिंग रैशनली, वो रैशनल अपनी सोच बनाते जा रहे हैं, तो वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को कि रिलीजन ये कर देगा वो कर देगा, जो साइंस के अंदर ज़्यादा ध्यान देने लगे। थ्रेट्स क्या है, देखो कमर्शियल फॉरेस्ट्री, अगर वहाँ पे
कमर्शियल काम हो रहे हैं तो वो एरिया ख़राब हो सकता है, इंटरनेशनल डिमांड है किसी मेडिसिनल प्लांट के लिए तो एक्सपोर्ट किया जाएगा जिससे वहाँ पे हार्म हो सकता है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिड कर दिया, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला दिए, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वहाँ पे आ गया, टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, बायोमास रिमूव किया जा रहा है, ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, एनक्रोचमेंट ज़्यादा किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ये सब थ्रेट है किसी भी सेक्रेड ग्रुप या किसी भी फॉरेस्ट के लिए। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है एक्सपोर्ट करने के लिए? देखो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे आपने हाथी के दांत सुना होगा ना, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ऑल वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, परमिट नहीं है कि आप उनका एक्सपोर्ट करेंगे। काउ का बीफ, काफ का बीफ, इन सबको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। बफलो का मीट जो है, पीकॉक की टेल फैदर, हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स जो उनसे बनते हैं, जो मोर होता है उसके फैदर से, उसके पंखों से बहुत सारे आर्टिक्राफ्ट्स बनते हैं, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज में हो रहा है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शेविंग मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ऑफ शेविंग ऑफ शेड एंटलर्स ऑफ चीतल, मतलब क्या, जो इनके होर्न्स होते हैं चीतल वगैरह के, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सी शेल्स को, जो शंख मिलते थे सी से, उनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वुड या वुड प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते, फ्यूल वुड को नहीं कर सकते, वुड चारकोल को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, सैंडल वुड को नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, आप अगर एक्सपोर्ट करते पकड़े गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड ग्रुप हमें समझ आ गया। फिर से मेरे कुछ दोस्त जो बाद में जुड़े हैं उनको जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में सभी स्टैंडर्ड बुक्स की ईपीडीएफ मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है आपको प्लस के रिगार्डिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है वहाँ पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस में रैंक 10 रेफरल कोड यूज करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं, प्लस से जो बेनिफिट्स है वो आप सब लोग यहाँ देख रहे हो। अब जो अगला इस चैप्टर के दो भाग है, हमने पहला भाग कर लिया, नाउ लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर। अब हम इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सेकंड ग्रूव्स के बारे में पढ़ा, हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पढ़ा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ पढ़ते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है। इसका एम क्या है, जितने भी पीपल हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं, लोगों के कल्चर का ध्यान रख के, लोगों की इकोलॉजी को ध्यान रख के, उनकी ज़रूरत, उनकी नीड या रिक्वायरमेंट को ध्यान रख के, डेवलपमेंट को ध्यान रख के, इन सब चीज़ों के होते हुए आप कैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, इसका ये एम है मैन एंड बायोस्फीयर, कि मैन और बायोस्फीयर यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कैसे इंटरेक्ट करे कि मैन को फ़ायदा भी हो जाए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट भी रहे, कैसे मैन अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाए एनवायरमेंट के बीच में और मैन के बीच में, ठीक है। इसका एम हम लोगों ने समझ लिया जो आप यहां देख रहे हैं। इसके बाद इसे 1970 में लॉन्च किया गया। इसका पर्पस क्या था, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना, एक एजेंडा तैयार करना या कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करना कि कैसे सोसाइटी, कैसे इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को कंजर्व किया जाएगा आदमी के द्वारा, मैन के द्वारा। प्रॉब्लम्स जो भी हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल, सोसाइटल, डेवलपमेंटल इशू, कोई भी किसी भी तरीके के जो इशू हैं उसको कैसे इंसान हारमोनियस रिलेशंस के अंदर आके इकोलॉजी के साथ कैसे उसे कंजर्व करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन गवर्निंग बॉडी होगी, जो सारा कंजर्वेशन का काम देखती है, जो मैन के लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए रिकमेंड करती है कि आपको ये करना चाहिए, वो मेन बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। आप नीचे देख रहे हैं सबसे लास्ट पॉइंट में, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है ये इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है, जो सारा काम, सारी रिकमेंडेशन देगी कि आपको ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी मैनर के अंदर सारा काम करना है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, आईसीसी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो मेन गवर्निंग बॉडी है इस प्रोग्राम की, मैन एंड बायोस्फीयर की जो मेन गवर्निंग बॉडी है, ये यूनेस्को की बॉडी है। इसने 1971 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसे नाम दिया बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक नेचुरल एरिया होगा और इसकी डेजिग्नेशन के साथ साथ इसका डिज़ाइन भी दिया कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व होगा कैसा।
ठीक है, इसे लॉन्च कर दिया था, इसे अनाउंस कर दिया था 1974 में, लेकिन इसका नेटवर्क जो फॉर्मल तरीके से लॉन्च हुआ है 1976 में हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? एक ऐसा लार्ज एरिया बायोडाइवर्सिटी का जहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा और फोना प्रोटेक्ट करना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज को इंक्लूड कर लेता है। देखो होता क्या है, मान लो यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फिर से कोई नेशनल पार्क है, यहाँ कोई और नेशनल पार्क है, यहाँ कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पास पास हैं ये सारे, बहुत क्लोज स्पेस है इनका, इन सभी को इंक्लूड करके एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाएगा। मींस कहने का मेरा भावार्थ क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। और उनका स्टेटस भी चेंज नहीं हुआ, उनका लीगल स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी ही रहेगी, नेशनल पार्क ही रहेगा, लेकिन उनको कंबाइन फॉर्म में क्या नाम दे दिया, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जहाँ के फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना है। किसकी हेल्प से? ह्यूमन कम्युनिटी की हेल्प से, इंसानों की मदद से। फंक्शन क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के? तीन बेसिक फंक्शन है, कंजर्वेशन का, डेवलपमेंटल फंक्शन का और लॉजिस्टिक फंक्शन का। मींस कंजर्व करना है वहाँ की लैंडस्केप को, सेकंड डेवलपमेंट करना है, मतलब कि सोशियोलॉजिकल और कल्चर दोनों को डेवलप भी करना है और साथ साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन भी रखना है। लॉजिस्टिक मींस वहाँ से जो भी फूड्स या फ्यूल मिल रहा है, वहाँ से जो भी मटेरियल मिल रहा है कम्युनिटी रिजर्व को, उसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, कैसे तरीके से लॉजिस्टिक फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के तीन बेसिक फंक्शन है। अर्बन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहा है, मींस हमारी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलके ही बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट कर सकता है। इकोनॉमी को भी फायदा होता है और कल्चर भी मेंटेन रहता है। एजुकेशन के लिए आपको रिसर्च के लिए बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाएंगी। रिक्रिएशनल फंक्शंस, मतलब बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद इंडिया के लेवल पे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलता है 1986 में, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेशन किसका होगा, पार्टिसिपेंट कौन होंगे, जितने भी इफेक्टिव मैनेजमेंट, जितने भी इफेक्टिव लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी है वहाँ के, जितने भी लोकल लोग हैं, वो सब लोकल इनहेबिटेंट्स जो हैं वो सस्टेन्ड रहें, यानी सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें बायोस्फीयर रिजर्व का, लंबे टाइम तक यूज़ करते रहें उस रिजर्व का, जिससे रिजर्व को हार्म भी ना हो और उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहे, इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उसे प्रोटेक्ट करना और साथ में इंसानों की ज़रूरत भी पूरा करना। और क्या काम होगा इससे, ये कंजर्व करेगा डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल को, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को सेव करेगा, ये मल्टीफेसेटेड रिसर्च के अंदर काम आएगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग के पर्पज से बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रोग्राम के अंदर कंजर्व किया जाएगा। अब देखो इसका डिज़ाइन कैसा होता है, ये बहुत ध्यान से समझना। बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक देखो जो था, सिर्फ आपको इतना सा जानना है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो ग्लोबल लेवल पे प्रोग्राम है, दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, और उसकी मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। वो काउंसिल सब कुछ रिकमेंड करती है और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के हेल्प से बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके तीन जोन्स होते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन। जो सबसे अंदर वाला होगा उसे कोर जोन कहेंगे और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परमिटेड नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी कोर जोन के अंदर प्रोटेक्ट नहीं होगी। इसके बाहर बनता है बफर जोन। इस बफर जोन के अंदर कुछ कुछ परमिशन दे दी जाती है कि आप टूरिज्म कर सकते हैं, आप एनिमल को ग्रेज करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रांजिशन जोन की। ट्रांजिशन जोन कैसा होता है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, जहाँ पे क्रॉप कल्टिवेशन हो सकता है। ये तीनों एरिया तीन लेवल पे, और इसके बाद बाहर पूरा अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, वो बिना रोक टोक के, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कोर जोन जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, फिर बफर जोन जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे टूरिज्म या ग्रेजिंग को परमिशन दे दिया है, और बाहर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई घर बन रहे हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, ये ट्रांजिशन जोन के अंदर होगा। तो इस तरीके से तीन जोन के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा हुआ है। अब आगे देखते हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया से कैसे डिफरेंट होता है। बायोस्फीयर रिजर्व किसी प्लेस को, किसी एग्जिस्टिंग प्लेस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा नहीं है नेशनल पार्क हटा के यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, ऐसा नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है, जितने भी एग्जिस्टिंग कंजर्वेटिंग प्रोटेक्टेड एरिया थे ना,
उन्हीं को ही नाम दे दिया बायोस्फीयर रिजर्व, मींस उन्हीं को ही कंबाइन किया, नेशनल पार्क 1, नेशनल पार्क 2, नेशनल पार्क 3, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी को कंबाइन किया और उसको नाम क्या दे दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं आया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। और ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व या जैसे भी रिजर्व वहाँ पे थे, उनके लीगल स्टेटस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेशनल पार्क ही बना रहेगा, सेंचुरी सेंचुरी ही बनी रहेगी, उनके लीगल स्टेटस को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद इसका क्या काम होता है जो बायोस्फीयर रिजर्व को अलग बनाता है, हमने देखा था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है बायोलॉजिकल यानी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लैंड भी आ गया उसमें, हैबिटेट भी आ गया उसमें, स्पीसीज को भी कंजर्व करना है, लैंड रेसेस को भी कंजर्व करना है, मतलब मैन के साथ साथ फ्लोरा को कंजर्व करना है, साथ साथ फोना को कंजर्व करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है बायोस्फीयर रिजर्व में। डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है यहाँ पे परमिटेड होती है, लेकिन देखा जाएगा कि एरिया कैसा है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व को अलग बनाता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि रिसर्च और मॉनिटरिंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड देयर मोड ऑफ रिएक्शन व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ये सारी चीजें देखो क्या करना है हमको, इनके की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। जैसे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, ये पर्टिकुलर इंडिया के लेवल की कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बंदे हैं। आइडेंटिफाई, ये नई नई साइट्स को आइडेंटिफाई करती हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे हमको इस पर्टिकुलर रिजर्व को मेंटेन रखना है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी बायोस्फीयर रिजर्व के मैनेजमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरी की होगी। आप याद रखें, एक कमेटी बनाई जाएगी, नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और वो गाइडलाइंस को सेट करेंगी जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके लिए। और उन गाइडलाइंस को सेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी करेगी उनका इम्प्लीमेंटेशन। रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ गाइडलाइंस का, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, ठीक है। ये वही काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर का काम कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, सेम काम है बिल्कुल। अब ऑल ओवर वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने जब ये प्रोग्राम चला था 1976 में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक नेटवर्क तैयार किया था बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। और अगर किसी को डीलिस्ट करना है कि हम आपके इस नेटवर्क के अंदर नहीं आना चाहते, तो पर्टिकुलर ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ही सारे हालात देख के उसको परमिट करेगी कि आप लोग डीलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शर्तें हैं, आप वहाँ की कंजर्वेशन को हार्म नहीं करेंगे। आप डीलिस्ट तो कर लो हमारे नेटवर्क से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बताएंगे कि आप कितनी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड 610 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की अगर आप बात करोगे तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ईस्टर्न हिमालय में, इंडो बर्मा में, सुंडालैंड्स में, और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के अंदर। इंडिया के अंदर ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी गई है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, अभी तक हमने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की है, इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम हॉटस्पॉट की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या होता है हॉटस्पॉट, इसको 1988 में नॉर्मन मेयर ने ये वर्ड को दिया था कि हॉटस्पॉट क्या होता है, ये वर्ड को कॉइन किया था नॉर्मन मेयर ने 1988 के अंदर। पर्टिकुलर 2 क्राइटेरिया देखे जाते हैं हॉटस्पॉट के लिए, स्पीसीज एंडेमिज्म, मतलब यहाँ पे 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट्स के, यानी ऐसे प्लांट्स जिसका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो सके, ऐसे वस्कुलर प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, मतलब उनके कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर, 1500 से ज़्यादा कैटेगरी वहाँ पे होनी चाहिए। और वहाँ का जो थ्रेट है वो 70% से ज़्यादा उस एरिया को थ्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया है जिसको नुकसान ही नहीं है उसको हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं। जैसे आप कोविड को देख रहे हो ना, कोविड के अंदर जो हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, कौन से एरिया है हॉटस्पॉट वाले, जहाँ पे 90% से ज़्यादा थ्रेट हो चुका है कोविड का। तो इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है, जहाँ पे जो थ्रेट का रेशो है 70% से ज़्यादा हैबिटेट लॉस का खतरा है, जहाँ पे उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो,
ऑल ओवर वर्ल्ड 8 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 8 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं और इंडिया के अंदर 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ये, वर्ल्ड में हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, इंडिया के अंदर केवल हॉटस्पॉट है। हॉटेस्ट का मतलब कि और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही रिस्क हो गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी एरिया को हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बना देते हैं? अगर वहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स हैं, एंडेमिक प्लांट्स क्या होता है, जो वहीं पे ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आए हैं। अगर वहाँ पे एंडेमिक वर्टिब्रेट्स हैं, अगर वहाँ पे एंडेमिक प्लांट और एरिया का रेशो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स का एरिया मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है एनिमल्स की भी, जहाँ पे प्राइमरी वेजिटेशन जो है ओरिजिनल एक्सटेंट से आई है, मतलब सब कुछ जो एंडेमिक है ना, जो वहीं पे ही बना हुआ है, उसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहते हैं। एक टर्म है हॉटस्पॉट, वो हमने देखा, स्पीसीज एंडेमिज्म देखा जाता है और डिग्री ऑफ थ्रेट देखा जाता है। जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है उसमें ये 5 फैक्टर्स देखे जाएंगे कि किस एरिया को हॉटेस्ट घोषित करेंगे। इंडिया की हमने बात कर ली। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इंडिया के अंदर ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी, नोकरेक, मनास, दिब्रू, देहांग, सुंदरबंस, ये आप देख सकते हैं, पूरी मैंने बताया हुआ है। न्यूली एडेड जो अभी अभी ऐड हुए थे, जैसे अमरकंटक, कच्छ, गोल्ड डेजर्ट, सेशाचलम और पन्ना जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट क्या होता है? ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो कम है, हॉट स्पॉट में क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है और थ्रेट भी ज़्यादा है। कोल्ड स्पॉट क्या है, डाइवर्सिटी कम है लेकिन हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस है, मतलब थ्रेट ज़्यादा है। यहाँ डाइवर्सिटी तो कम है लेकिन थ्रेट ज़्यादा है, उसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है 22 मई को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, यूनेस्को एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। क्राइटेरिया होता है पर्टिकुलर कि किस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लेगी। ठीक है, 1972 में यूनेस्को ने इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था कि हम साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स को, पर्टिकुलर रिलीजियस या कल्चरल साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करेंगे, यानी उसको ऑल ओवर वर्ल्ड उसको डेजिग्नेट किया जाएगा। ठीक है, जो पहली लिस्ट आई थी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट की, वो पब्लिश हुई थी 1978 में पहली लिस्ट आई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये स्टेट नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1978 में। यहाँ पे कल्चरल कैटेगरी अलग होती है, नेचुरल कैटेगरी अलग होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आप आर्ट एंड कल्चर में इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। नेचुरल हेरिटेज साइट कैसी होती है, फर्निश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, जहाँ पे अर्थ रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑफ इट्स जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ लाइफ अर्थ का बहुत ही ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, जहाँ पे कुछ ऐसी लाइफ है जहाँ पे रिकॉर्ड कुछ अलग ही देखा जाता है, लाइफ कुछ अलग ही है जहाँ पे। प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑन गोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब हिस्ट्री के अंदर जो उनका इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, वहाँ पे इवोल्यूशन बहुत ही अलग तरीके से हुआ है, कुछ यूनिकनेस है, जहाँ पे कुछ रेयर यूनिक या सुपरलेटिव स्पीसीज मिले, कुछ अलग ही ब्यूटी देखने को मिले, जहाँ पे कुछ ऐसे हैबिटेट मिले जो रेयर हैं और जो एंडेंजर्ड एनिमल या प्लांट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको नेचुरल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, जिसके अंदर हमने, मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, जिसके अंदर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखा है, और क्या देखा है, हमने नेशनल पार्क को समझा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, उसके बाद हमने सेकंड ग्रुप्स को देखा है, हमने कम्युनिटी रिजर्व को देखा है, कंजर्वेशन रिजर्व को देखा है, देन हमने बायोस्फीयर रिजर्व को समझा है, फिर हमने हॉटस्पॉट को समझा है, इसके अंदर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट को समझा है, कोल्ड हॉटस्पॉट को समझा है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को समझा है जो यूनेस्को देता है। 1972 से स्टार्ट हुआ था, 1978 में पहली लिस्ट आई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये चीज़ें हमने जानी। ठीक है, इशू जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना प्री के लिए, वहाँ पे मैं खुद स्लो हो जाती हूँ और आप लोगों को मैंने रेड मार्क करके दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मैं खुद ही उन पॉइंट्स को बार बार दोहरा देती हूँ, जिससे आप उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी तो देखो कैसे एरियाज होते हैं जो सबके अंदर कॉमन है, सबके अंदर ही ये है कि इंसानों का यूज़ करके मैंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ा के कैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है। जो की पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको बार बार दोहरा के, तो घबराए मत, कुछ छूटेगा नहीं आपका।
ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। इनवर्टिब्रेट नहीं आएगा हॉटस्पॉट में, हॉटस्पॉट में इनवर्टिब्रेट नहीं आएगा, क्यों? ऐसा नहीं है, ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ये। और ऐसा नहीं है इनवर्टिब्रेट नहीं आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं अगर वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा उनको थ्रेट है, ठीक है। ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के अंदर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों आएंगे ही आएंगे। वस्कुलर प्लांट का मतलब ये होता है जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जैसे जाइलम और फोइलम आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जाइलम कैसे होते हैं, जो पानी को, वाटर को यानी लिक्विड कंटेंट को ऊपर तक लेके जाते हैं प्लांट तक। और फ्लोएम कौन से होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स को प्लांट के लिए सोइल से सक करके न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जिनमें ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं उनको वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो समझ ना आया हो, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अगर समझ ना आया हो। एक बार प्लीज आप लोग इस चैप्टर को आज की ही डेट में रिवाइज करना अपनी बुक से, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। एनवायरनमेंट की जो पीडीएफ है डेनियल, वैसे तो आप टेलीग्राम पे कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये रैंक सिक्योर चैनल में भी ये बुक, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। और कोशिश करूंगी मैं टेक्निकल टीम को कह के कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस पीडीएफ को ऐड करवा दिया जाए, ठीक है। तो आप प्लीज इसे रिवाइज करना आज आज की डेट में, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चैप्टर बैठ जाए। तो मिलते हैं दिन के सेशन में इकोनॉमी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।